बादाम ना खाने वाले जरूर ध्यान से पढ़ें। पहले के जमाने में दादी नानी हलवे में बादाम जरूर डालती थी। यह उनका बादाम खिलाने का सबसे आसान तरीका था। पर हम हर रोज खीर और हलवा नहीं खा सकते, इसलिए इन्हें स्मूदी और शेक में डालकर पी लें। बढ़ते बच्चों की फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए दूध जहाँ फायदेमंद है, वहीं 30 की उम्र के बाद आपकी बोन्स कमजोर होने लगती है। इसलिए आप बादाम धोकर उन्हें दूध में भिगो दें और इसका सेवन करें। जहाँ 30 की उम्र के बाद आपकी याददाश्त कमजोर होने लगती है, वहीं बादाम खाने से बहुत फायदा होता है। इसमें मौजूद ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड के जरूरी पोषक तत्व जैसे फॉलेट और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये सभी आपके दिमाग को समय से पहले बूढ़ा होने से रोकते हैं। रोजाना कम से कम 8 से 10 बादाम जरूर खाएं। बादाम में मौजूद जिंक इम्यूनिटी बूस्ट करता है। ब्रेन सेल्स को डैमेज करने वाले वायरस और बैक्टीरिया के प्रभाव को कम कर देता है। बादाम का सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है विटामिन ई, जो कि आपकी मेमोरी को लॉस होने से बचाता है। बादाम में विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है, जिसका सेवन करने से शरीर के सभी अंग स्वस्थ रहते हैं। और विटामिन ई का सेवन सही मात्रा में करने से दिल का दौरा, कैंसर जैसी बीमारी नहीं होती हैं। बादाम में मैग्नीशियम पाया जाता है। अगर आप प्रतिदिन बादाम खाते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। इसके साथ ही किडनी की बीमारी होने के आसार कम हो जाते हैं। बादाम को छिलके के साथ खाना चाहिए और बादाम को खाने से मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने के कम आसार होते हैं। इस सिंड्रोम में ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल शामिल हैं। बादाम खाने से वजन कम होता है। बादाम में से 15% के करीबन कैलोरी शरीर के द्वारा सोखी नहीं जाती, जिसके कारण आपका पेट भरा सा लगता है और बादाम से मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाता है, जिससे वजन कम होने लगता है। रात भर भीगे हुए बादाम को खाने का सबसे अच्छा समय सुबह का माना गया है। बादाम खाने से कई खतरनाक बीमारियों से बचाव होता है। बादाम में कैल्शियम पाया जाता है, जितना आपको आधा ग्लास दूध पीने से जो कैल्शियम प्राप्त होता है। इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की जानकारियों को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।